दोस्तों, अभी मैं जस्ट एक ढाबे पे रुका हूँ, ऑर्डर किया है। ये दाल मखनी है, ये शेव टोमेटो का सब्जी है, दिस इज़ रोटी, और ये छाछ है। तो ऑल ओवर ये सब इतना मस्त लग रहा है भाई, मैं आई एम हंग्री, तो लंच के बाद आपसे बात करता हूँ। थैंक यू सो मच। That's me, tired like hell. ये मेरा लगेज। आफ्टर वन ब्रेकफास्ट कचौरी, पूरे लोकल्स बोल रहे कि ही इज बेस्ट कचौरी, तो यहाँ पे कचौरी ट्राई करेंगे। तो दोस्तों, कचौरी के बाद रबड़ी तो बनती है, बहुत फेमस दुकान है। थोड़ा रश था थोड़ी देर पहले जब मैं एयरटेल से पास हो रहा था, अभी रश कम हो गया, इसलिए अभी खा रहा हूँ। रबड़ी दिख रहा तो बहुत अच्छा है, गर्म ठंडा जैसा कि वैसा मिलेगा, और ये गणगौर घाट के बहुत नज़दीक है, ये एक गली में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। अभी खा के देखते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द टॉप। ये है कैफे, और कैफे
तो दोस्तों ये व्यू है मेरे होटल से जहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ। ये कैफे है और ये फोर्थ फ्लोर में है और इसके ऊपर भी कैफे है, बट फिलहाल वो इतना वर्किंग कंडीशन में नहीं है। बट इसका व्यू क्या ही बताऊँ मैं, नेक्स्ट लेवल वाला व्यू है यहाँ से। पैलेस का व्यू ऑलमोस्ट क्लोज। ये इनका छोटा सा किचन है, तो यहाँ से ऐसी स्टेयर के से बहुत संभल के चलना पड़ता है, मैं तो पहले दिन गिरने वाला था। और ये भाई साहब है, ये यहाँ के ओनर है, यही आगे करता धरता है। और जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने चेक इन किया और कुछ किसी ने मुझे पैसे के बारे में पूछा नहीं, इन्होंने पैसे का भी कुछ पूछा नहीं, फिर सुबह जबरदस्ती आके मैंने पैसा दिया इनको यहाँ पे। दोस्तों दिस इज द व्यू ऑफ फतेह सागर लेक एंड इट्स 8 इन द इवनिंग एंड इट्स रियली अमेजिंग। क्राउड थोड़ा बहुत है बट दैट्स तो दोस्तों शाम को व्यू कुछ ऐसा है, ये लेक व्यू, यहाँ के रेस्टोरेंट्स एंड बोरहा घाट, गणगौर घाट, और उसी तरह यहाँ पे एक टेम्पल है जहाँ पे आरती चल रही है। बहुत ही चिल्ड है क्लाइमेट अप्रैल के महीने में। अच्छा डेट है 9th अप्रैल, फिर भी बहुत ही ज़बरदस्त एंड चिल्ड क्लाइमेट है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो बैठने के लिए घाट पे, ऐसे आप नॉर्मली बैठ सकते हो। और यहाँ पे कुछ फेमस रेस्टोरेंट्स है,